Okay, so what's up everybody, this is the Road Sketcher. Welcome back to another video, another vlog. I hope सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना. तो आज आप सोच रहे होगे ऐसा ना कॉफी कैसे चेंज हो गया. तो टुडे आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू ग्लव्स फॉर माई सेल्फ. एंड वो जो ग्लव्स होगा तो वो आपके जाके पता चलेगा कौन सा मैं ले रहा हूँ. और आज मैं जा रहा हूँ अपनी हमारा जो Lost 07 है उसकी MT पे. एक ही बाइक पे अपन जा रहे हैं और आगे चल रहा है स्वेव स्कूटी लेके उड़ते हुए. टाइम थोड़ा सा कम है जो थोड़ा सा खींचते हुए जाएंगे आज. अरे रे 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 रे. तो आज का ब्लॉग वही रहने वाला है कि ग्लव्स दिखाएंगे आपको, मैं कौन सा ग्लव्स ले रहा हूँ, आप ले सकते हो, क्या प्राइसिंग रहेगा और बजट ग्लव्स में दिखा अगर उधर हुआ चांस तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा. तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तो आज थोड़ा सा खींचते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है. स्वेप को आके कुछ काम भी है. पता नहीं कि इसको लाश दिखा रहा था. अगर अपन स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते तो आज का ये व्लॉग हो जाता. स्कूटी राइडर वांट्स टू रेस विद मी. बस रास्ते में जैम ना मिले बाकी तो इजी चले जाएंगे अपन. भाई अभी तक तक सारे सिग्नल खुले हुए हैं भाई, यही तो चाहिए. एम्बुलेंस को तो छोड़ दो अंकल. बा बा बा. क्या बंदा है भाई, एम्बुलेंस को छोड़ नहीं रहा. तो गाइस वी आर हियर एट सेकंड हुगली ब्रिज, मतलब टोल प्लाजा. बस पकड़ के झोल ना करे. डॉक्यूमेंट्स तो सब कुछ ही है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स का कोई सीन नहीं है, पर पकड़ के झोल ना करे वही बहुत है. अच्छा सोएब रुक गया, ऐसे ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करेगा. भाई ये देखो, इसे कहते हैं स्वैग विदाउट हेलमेट. दिस इज स्वैग. आज ही इतना जैम किया है पता नहीं. सो गाइस अपन आ ही चुके हैं, इधर से हमें लेना है राइट. ये वाला राइट ना, इधर से हमें लेना है राइट. सामने मोबाइल होल्डर नाला का झंडा चाहिए. इधर से हमें लेना है राइट. क्या हो गया, अच्छा इधर से भी राइट दिया नहीं है, मिल गया. ये देखो हमें होई होई. अभी से हार्ड से 2 मिनट लगेगा, हार्डली 2 मिनट. देयर से सिग्नल या फिर कुछ काइंड ऑफ आएगा उधर से हमें लेना है लेफ्ट. इन भाई साहब को देखो चौड़ते हुए आ रहे हैं भाई, चौड़ में. भाई
मैं रास्ता भूल भूल गया हूँ क्या? इतना तो नहीं था। से लेफ्ट अब एक गली मोहल्ले के अंदर अंदर से बन पहुंच जाएंगे। इसके बाइक के पीछे हगर नहीं लग रखा है। ये शायद से जाने वाला है, खतरनाक आज। थोड़ा रास्ता तो याद ही है मुझे, लास्ट टाइम अपन उधर से आए थे, लाइक घर की तरफ लौट रहे थे इधर से, और उधर शॉप में गए थे कहीं और से। अरे तुझे लग नहीं रहा, पीछे बैठ के चिल्लाया जा रहा था उससे। Here's Moto Mods. Yeah. So guys, here are Moto Mods. आ गए रोनित भैया के शॉप पे। तो अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये रहा DSG का ग्लव्स जो मैंने लेने आया था, बट मैं वाइट में मांग रहा था जो एग्जॉर में भी है, ये देखो ये वाला चीज़। बट इसमें वो लेदर का क्वालिटी इतना फिनिश अच्छा सा नहीं लग रहा है, और जो वाइट है ना, आपको शायद से इतना मोबाइल में पता नहीं चल रहा, बट थोड़ा सा इसमें धूल लगा हुआ है, तो वाइट का जो सीन रहेगा कि अगर अब धूल ज़्यादा लग गया ना तो वो नहीं हट पाएगा, तो मेरा पूरा फालतू रहेगा ग्लव्स। देख लो, थोड़ा 6-7 महीने जाएगा ना तो वो पूरा धूल ना उठ नहीं पाएगा इससे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यही ले लो, बिकॉज राइडिंग तो अपन रोज ही करते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, तो धूल अगर हो गया ना पूरा ग्लव्स खराब देखने में हो जाएगा। क्या बोलते हो तुम? तू क्या बोलता सर? एकदम वाइट नहीं लूं? नहीं, DHA का बोलेगा ये वाला चीज़, ब्लैक वाला। वाइट तो अगर गंदा हो गया ना, वो एकदम गंदा लग गया तो पूरा उठ नहीं पाएगा, ज्यादा दिन उसको तो यूज नहीं कर पाओगे, मतलब एक महीने के अंदर वो खराब हो जाएगा। कलर वाइट वाला कलर वो बहुत संभाल कर, मतलब कहीं गए आके फिर उतार दो, डेली राइडिंग के लिए नहीं होगा। और कहाँ अपन ऐसा तो नहीं होगा, ये देखो इसने वाइजर लगाया अपने हेलमेट पे, ब्लू पेपर उठा दो, दिस इज द कलर गाइस, आप देख सकते हो। क्या ये प्यारा लग रहा है, ब्लू अच्छा लग रहा है, सैटिस्फाइड, मन खुश हो गया देख के। सो गाइस, थोड़ा सा बजट ग्लव्स अगर आपको देखना तो देख लो। इसका प्राइस, ये सोमी का ग्लव्स है, इसका 850 प्राइस है। थोड़ा सा इसके ऊपर तो समझ लो 1000-1500 के अंदर थोड़ा अच्छा सा ग्लव्स दिखाओ, जिसमें लाइक सेफ्टी भी अच्छा हो, ऐसा कुछ दिखाइए। प्राइस 1850। ओके, और भैया कुछ देख दो, दिखा दो अच्छा सा। ये क्या फुल ग्लव्स है? अच्छा, ये भी हाफ ग्लव्स ही है। ये किसका है? एक्सोर का 2000। तो भैया एक फुल में दिखा दीजिए आप, अच्छा सा देख के, थोड़ा सा बजट के अंदर फुल में दिखा दीजिए। ये कौन सा है? राइनॉक्स। मॉडल कौन सा है? मॉडल बता दीजिए एक बार। इसका स्टॉर्म, इसका प्राइस 5750। इसका कुछ वारंटी वगैरह रहता है ग्लव्स का? 6 मंथ्स का, DSG का भी? ओके। सो गाइस, ये रहा कुछ, और ये रहा शॉप, जैसा आप देख सकते हो हेलमेट, और इधर थोड़ा सा बाइकिंग का एक्सेसरीज भी है, इधर स्वेप भी फ्री में मिलेगा आपको। और जैकेट वगैरह ऊपर है, अगर अपन ऊपर थोड़ा सा जैकेट वगैरह देखने जाएंगे तो आपको दिखा देंगे। और इधर चेन के लिए चेन लो, सब कुछ ही मिलता है भाई के पास। मोटो मोड शॉप है, जरूर जरूर आना, बहुत ही अच्छा है रोनित भैया, और अच्छा कलेक्शन रहता है।
तो ये वाला ग्लव्स ले लिया मैंने DSG का कार्बोनेक्स ब्लैक एंड ग्रीन के ऊपर, वाइट मैंने नहीं लिया। तो चलो अभी इधर शॉप से निकल रहे हैं और सीधा मिलता है आपका मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस हमारा शॉपिंग हो चुका है। सोएब ने लिया है ब्लू इरिडियम वाइजर अपने हेलमेट के लिए और मैंने लिया है DSG का ग्लव्स। एक्चुअली मुझे पहले से चाहिए था DSG का वो वाइट वाला जो रहता है। अगर आप सर्च करोगे DSG कार्बन एक्स ग्लव्स तो आपको दिखेगा दो कलर ऑप्शन आएगा, एक ब्लैक एंड ग्रीन और एक ब्लैक एंड वाइट। तो मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए था पहले से ही जब मेरे पास, अभी तो मेरे पास ग्लव्स हो चुका है बट मेरे पास पहले तो ग्लव्स नहीं था, तो मुझे पहले से वही चाहिए था। बट द थिंग इज़ दैट क्या सीन हुआ, जब मुझे इधर नहीं मिला वाइट बट मुझे एक्सोर का सेम दिखने वाला एक वाइट मिला, ठीक है। वो मैंने पहना, वो पहन के मैं एक ही चीज़ फील किया कि भाई ये गंदा बहुत होने वाला है, बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है, कि लाइक थोड़ा सा राइट किया गंदा हो गया। और मेरे को यही डर लग रहा था कि भाई अगर समझ लो कुछ दाग वाग लग गया उसके अंदर, वाइट के अंदर, अगर वो दाग नहीं हटाना तो इतना गंदा लगेगा, मतलब वीडियो वगैरह फोटो वगैरह में मत दिखे बट खुद को इतना लाइक कुछ अच्छा फील नहीं आया कि भाई मेरा ग्लव्स इतना गंदा होकर रखा है। और उसको मतलब ऐसे यूज़ करो कि एक दिन सनराइड पर निकलो और रख दो, बट मैं तो ऐसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं प्रॉपर यूज़ करने वाला हूँ। और अगर ज़िंदगी में एक बार राइड करना स्टार्ट कर दिया तो भाई उसकी भी लग जाती है, लॉन्ग राइड्स की बात कर रहा हूँ समझ लो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता या फिर जो भी समझ लो, तो तब मुझे वो ग्लव्स ऑल टाइम यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कैपेबल नहीं है। वीडियो में भी गंदा गंदा दिखेगा, तो मैंने सोचा कि भाई छोड़ देते हैं, मैं ले लेता हूँ ब्लैक एंड ग्रीन ही, वही से अच्छा रहेगा। लाइक अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ उधर था नहीं वाइट वाला, बट मुझे वाइट वाला ज़रूर चाहिए ही था, बट ठीक है भाई कभी कभी गलती हो जाती है। बट अभी जो मैंने ग्लव्स पहना नहीं है, बाद में पहन लूँगा। सो गाइस अपन आ चुके हैं स्कूटी पे, वो बहुत बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लाइक पावर है, पिकअप है, चला के देखते हैं। आई होप अच्छा व्यू आ रहा होगा GoPro पे। भाई कितना छोटू सा हैंडल है भाई इसका, भाई पावर क्या ही पावर है, लाइक 70 तो कुछ होता भी नहीं चल रहा, इतना आसान जा रहा है। अच्छा इसका इको मोड होता है कुछ 60-62 पे इको मोड होता है, अरे ऑफ होता है, क्या बोलते हैं लेकिन ड्रैग करें इंट्रॉक के साथ, हम भी वीडियो डालें ड्रैग रेस का, चलो एक दिन ड्रैग करते हैं इंट्रॉक इसका। आई होप ये जीत जाएगी भाई इसका, मतलब इतना स्मूथ है ना इंट्रॉक, इतना स्मूथ नहीं है उसमें, लाइक बाइक का पावर लाइक ऐसे चला रहा है एक बाइक लगता है तुम्हें, इसमें भाई बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ। ए 70-76 वो पता भी नहीं चल रहा भाई, ब्रेक देखो भाई खतरनाक ब्रेक है तुम, बाप रे मेरे इंट्रॉक से तो बहुत कहीं गुना ज़्यादा बाइक अच्छा स्कूटी है। और प्राइस साइज से इसका थोड़ा ज़्यादा ही है ID की है, बट नो डाउट बहुत अच्छी स्कूटी है। और माइलेज का पता नहीं, मेरी इंट्रॉक तो 37-38 का डाउन देती है, इसका पता नहीं क्या देता है। मस्त लग रही है भाई चलाने में, और हैंडल बहुत छोटा है, लाइक मेरे इंट्रॉक में ऐसा हैंडल जाता है ना इतना तक, ये बहुत छोटा हैंडल है। गाइस बारिश हो रहा है अपन इधर रुक गए हैं, सीन देख लो सोएब तो पीछे ही रुक गया है, वो देखो मर्सिडीज बेंज, कोई सेंस है इस बात हमें बहुत लग रही उस टाइम। अरे रा
एक मिनट कैमरा पूछ लो। हाँ तो गाइस उधर बारिश नहीं हो रही है, उधर बारिश हो रही थी तो मैंने गोप्रो खोल दिया था बिकॉज मीडिया मोड इज़ नॉट वाटर प्रूफ। गोप्रो तो वाटर प्रूफ है बट मीडिया मोड वाटर प्रूफ नहीं है। फिर से मैंने गोप्रो लगा लिया है और हमारी स्कूटी इसमें बहुत पावर है भाई। ये ऑटो क्या हो गया क्या हो गया? अरे भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, इन लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, इनका खुद का रास्ता है, इनका बाप का रास्ता है भाई, इनका जायदाद है ये जगह, जहां मर्जी जैसे मर्जी पीछे बिना कुछ किए रोक दें, रोक दो भाई रोक दो, फिर अपन जाकर ठोक देंगे फिर भाई तुम्हारा गलती ये वो फलाना ढिमकाना भाग। तो गाइस अपन आई है गए सांतरागाछी यानी कि हमारा घर, तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आई होप अगर सबको अच्छा लगा हो तो, और लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना भाई, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम की फैमिली हमारी बढ़ नहीं रही है, और यूट्यूब वालों बताओ, यूट्यूब फैमिली बताओ कैसा लग रहा है सब कुछ हमें, हमारा व्लॉग हमारा कॉन्टेंट, आई होप क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा होगा, इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है, और बाकी ज़रूर ज़रूर सजेस्ट करना, और अगर आपको कुछ देखना हो तो कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। एक्चुअली मैं रिप्लाई तो सबको ही कर देता हूँ अभी, ऑल रिप्लाइज लाइक जो भी कुछ पूछता है कोई कुछ बताता है तो उसको सबको रिप्लाई कर देता हूँ, तो अगर आपको भी कुछ जानना हो तो वगैरह ज़रूर कॉमेंट में बताना। इस ब्लॉग को जरिए करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू अगेन, दिस इज़ अ रोड्स का साइनिंग ऑफ।